हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ये मॉर्निंग का टाइम है और ये अर्ली मॉर्निंग है, और जो है आज जो है पापा जाने वाले हैं। तो यहाँ से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे यहाँ किचन में रोना भी आ रहा है क्योंकि पापा बहुत दिनों से थे हमारे साथ लगभग। तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और 5:30 बज गए हैं। इधर मैंने पानी गर्म करने रख दिया, इधर चाय रख दिया है, बाकी उनके लिए मैं यहाँ पे नाश्ता रास्ते के लिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी 6 बजे ही निकलना था। तो यहाँ पे मैं फटाफट ये मैंने सत्तू के जो है मसाला रेडी किया है यहाँ पे, और इधर मैं पराठे बना ली हूँ, और उसके बाद जो है चाय वाय सब पिला दिया था मैंने। फिर यहाँ पापा का बैग है, रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है निकलने की और हम लोग भी जाएंगे। बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि बच्चों को भी बहुत दिन से अच्छा लग रहा था, और मैं अपने आगे ब्लॉग में बताऊंगी कि पापा क्यों आए थे और किस लिए आए थे। तो अब काफ़ी दिनों से थे हमारे साथ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे। और जो है यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ गए हैं और निकलने की बिल्कुल तैयारी रेडी है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, तो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं पापा और यहाँ पे अपना जो है कार्ड और ये सब टिकट चेक कर रहे हैं और टाइम देख रहे हैं और रख रहे हैं निकाल के बाहर ताकि बाद में नहीं निकालना पड़े। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था और एकदम रेडी हो गए हैं हम लोग निकलने के लिए। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेटा जा रहा है और आरिका भी है, तो हम लोग जाएंगे कौन सा एयरपोर्ट और छोड़ेंगे। पापा आज जा रहे हैं घर, 1 महीने थे हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग यहाँ पे बहुत खुश थे, और आज जा रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है कि पहली मतलब मुझे लगता है कि शादी के बाद पापा इतने टाइम हमारे साथ रहे और वो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है रहने का। लेकिन कुछ ऐसा काम था जिसकी वजह से पापा यहाँ हमारे पास लगभग 1 महीने रहे, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है लेकिन कभी भी एक एक दिन 2 दिन के लिए ही आते थे। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ तो हम लोग ऐसे आ गए थे क्योंकि हमने कहा चलो इतने देर हम लोग एयरपोर्ट भी छोड़ के आएंगे, अच्छा लगेगा हम लोग को भी, पापा को भी अच्छा लगेगा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो फिर यहाँ पे रास्ते में देखिए अंधेरा ही हो रहा है, और तो यहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं किए क्योंकि अंधेरा था तो फिर ज़्यादा कुछ आता नहीं, थोड़ा जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे मैंने शूट कर लिया था। और ये एयरपोर्ट का रास्ता है और अभी सुबह का टाइम है तो एकदम खाली है, तो बिल्कुल कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ी लाइटिंग थी तो मैंने सोचा चलिए शूट कर लेते हैं। आगे मैं आप सबको बताऊंगी कि पापा क्यों आए थे, कितने दिन हमारे साथ कैसे रहे, क्यों रहे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए आप सब लोग, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और हम जो है ब्लॉगिंग करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, अपनी जो है लाइफ स्टाइल है वो सब दिखाते हैं, आप सभी के साथ शेयर करते हैं। जो भी है प्रॉपर डेली ब्लॉग तो नहीं आ पाता है, तो लेकिन फिर भी जितना होता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट हम लगभग लगभग पहुँच चुके हैं, आगे सामने आप देख सकते हैं तो ये आ चुका है, और इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर जो है पापा को तो पापा क्यों आए थे वो भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ मैं। क्यों पापा के जो है आईज़ में वो था मोतिया हो चुका था, तो उसकी जो है हमें यहाँ पे सर्जरी करानी थी। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है बहुत अच्छा है, और तो वहाँ पे मैंने मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका भी जो है 5-6 महीने पहले हुआ था, तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो फिर पापा ने बोला कि मैं भी वहीं करा लूँगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो नई नई टेक्निक और वो सब है तो अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे
जो है हमने पापा का जो है ऑपरेशन कराया और सक्सेसफुल रहा, सब अच्छा हो गया, पूरा 1 मंथ लगा था। तो ये बात थी जिसकी वजह से पापा हमारे पास 1 महीने रहे, नहीं तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते। यहाँ हम एयरपोर्ट देखिए पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आरिका खड़ी है, उतर गई है, मैं तो अंदर ही बैठी हूँ और उतरी थी फिर, लेकिन मैं बैठ गई थी क्योंकि नहीं तो फिर वो गाड़ी निकालने के लिए बोलते हैं। यहाँ पापा देखिए जा रहे हैं, ये आगे तक गए छोड़ने के लिए और अब हम आ गए हैं अंदर और अब हम वापस घर आएंगे। घर आते हुए मैंने बिल्कुल भी इतना शूट नहीं किया था और अच्छा नहीं लग रहा था, मन भी नहीं हो रहा था, तो बस थोड़ा सा ही किया था मैं। यहाँ पे देखिए हम अपने बेसमेंट में आ चुके हैं और उसके बाद फिर हम घर जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, फिर हम लोग जो है आने के बाद वापस से सो गए थे, फिर हम उठे हैं, फिर सारा काम करके नहा धो के फिर मैंने सोचा आप सबसे फिर से मिलती हूँ। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। फिर शाम के टाइम में हमें मार्केट जाना था, कुछ चीज़ें थी वो लाना था, सामान लाना था, क्योंकि हम भी वापस आए थे तो फिगर्स भाई के पास से तो कुछ मतलब सामान भी, सब्जियां वो सब भी ख़त्म हो चुका था, और क्योंकि पापा वापस आए थे उनको चेकअप कराना था, फिर हम साथ में ही आए थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट किया था। तो यहाँ पे हम जो है हमारे पास जो है जो घड़ी थी उनमें सभी बंद हो चुकी थी और उनकी सेल, क्योंकि जो है कोविड में हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया घड़ियों को, तो फिर वो बंद हो गई, सारे सेल डाउन हो गए। तो आज हम जा रहे हैं शॉप पे क्योंकि हम सोच रहे हैं कि सभी घड़ी में डलवा दें, नहीं तो फिर क्यों ऐसे घड़ी बंद बंद बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो बस वही करने के लिए आज हम जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम घड़ी की शॉप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो जितनी हमारे घर की घड़ी थी, मतलब हमारी, इनकी, बेटे की, सबकी, मतलब यहाँ पे हम ले गए और उनसे बोले कि सब में सेल डाल दो। तो यहाँ पे मैं शूट कर ली हूँ और एक बर्थडे भी थी तो हम उसके लिए भी गए थे कि गिफ्ट में कुछ ऐसा पसंद आ जाए घड़ी तो अच्छा लगेगा। तो आरिका की फ्रेंड की बर्थडे थी, बड़ी है थोड़ी वो, और तो यहाँ पे देखिए ये सारी घड़ियाँ हैं, पैक करके हमने उनको दिया है कि वो जो है अच्छे से उसमें सेल डाल दें और कुछ में प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक कर दें। तो बस यहीं पे थोड़ा सा सूट कर लिया था मैंने। उसके बाद यहाँ से हमको यहाँ पे कोई नहीं पसंद आई थी तो फिर हम दूसरी शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे फिर हमने एक हमें पसंद आई थी वॉच, तो ये भैया देखिए उसको ठीक कर रहे हैं, तो यही वाली वॉच हमने लिया था, तो ये हमें अच्छी लगी तो हमने फिर ये वाली वॉच लिया था, और ये अच्छी थी और बहुत टाइटन सोनाटा की थी और बहुत अच्छी लगी, तो ये हमने ले लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए आरिका स्कूटर चलाएगी, हर्षित आप पीछे बैठिए। मैं पीछे बैठूँगी। हाँ। अच्छा तब लेंगे जब खुलेगा, अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक चाय लगा है, दिखाओ क्या लिया आपने, दिखाओ। ना बम्बे भेज दो। हेलो भैया, ये ले आपका लाओ। तो यहाँ पे देखिए ढोकला, खमर, पात्रा, क्या क्या, ये सारे यहाँ के नाश्ते होते हैं गुजरात के और बहुत अच्छे होते हैं। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और पूरा रूटीन मैंने आज शेयर किया आपके साथ, और मिलती हूँ मैं फिर अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें।